नेता जी का गिरफ्तारी के लिए जाना है, विधायक जी भी पीछे है, हम भी प्रदेश महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल का, हम भी 10-15 को गाड़ी लेकर के वहाँ पीछे में खड़े हैं, विधायक जी 50-60 को गाड़ी लेकर के खड़े हैं, तो यहाँ कैसे रह जाए। हमें नहीं चाहिए NPR, हमें चाहिए रोज बंद है। राजद भी इस बंद का समर्थन किया है, फिर ये लोग पार्टी चमकाने के कौन कार्यक्रम में जा रहे हैं हमें नहीं पता है। अरे भाई वही मुद्दा अभी भी है, पार्टी कहाँ चमकाना है, पार्टी तो पहले से चमका है जी, सबसे बड़ा पार्टी है बिहार का, ये चमकाना है जिला तेजस्वी जी, तो चमक गए हैं, अब चमकाना है हम लोगों को। पिकनिक मनाने जा रहा है, ये लोग बंद में नहीं है, ये लोग पिकनिक अगर बंद में होते तो यहाँ हमारे साथ बैठते, ये दिखावा है, ये छलावा है, ये दिलाखा दिखावा है, छलावा है। पिकनिक मनाने ना कुछ नहीं, क्या पिकनिक मनाना है वहाँ, ये मुद्दा जो है वो मुद्दा है नौजवान का, मुद्दा है क्या, मुद्दा है यात्रा है नौजवान का वहाँ। गठबंधन के रैली सुनी, गठबंधन साहब कहता है कि पहले यह बंदी का सपोर्ट है, आप सब सुनिए ना, क्या कहिएगा, विधायक जी को भी फंसा दिया आप लोग। विधायक जी को हम लोग नहीं जाने देंगे, अभी विधायक जी आके यहाँ पे बैठे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा का ज्ञान अधिकार पार्टी लोगों को जाकर के किसी को बाधा डाल करके अपने स्वार्थ में ये काम नहीं करना चाहिए, इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये 10 मिनट रास्ता ब्लॉक करके कोई मान लीजिए हम तो रैली में जा रहे हैं, हमारे 150 गाड़ी 200 माने कोई पेशेंट होगा, कोई रोगी होगा उसका। आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। गठबंधन के सुनी, गठबंधन साहब कहता है कि पहले यह बंदी का सपोर्ट है, आप सब सुनिए ना, सुनिए एक मिनट बात को सुनिए, सवाल है या बंद है, आपका भी सपोर्ट है तो मैं बंद ले आइए, यदि आप डिस्टर्ब करते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आप भाजपा साठगांठ किए हैं, सर आप हमें साथ दीजिए, आपसे हम जोड़ी है, हमारे आपका जीवन है, आप हमें बच जाइए, लगातार चलता है, बंद है। मोदी मुर्दा पर भी बैठ जाइए। अरे कैसे बैठ जाए भाई, हमको जाना है वेटनरी के लिए ना, तो बंद आप भी कर रहे हैं, आह्वान हुआ है नेता जी का कि वेटनरी के लिए जाना है, विधायक जी भी पीछे है, हम भी प्रदेश महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल का, हम भी 10-15 को गाड़ी लेकर के वहाँ पीछे में खड़े हैं, विधायक जी 50-60 को गाड़ी लेकर के खड़े हैं, तो हम यहाँ कैसे रह जाए। हमें नहीं चाहिए NPR, हमें चाहिए रोजगार। इन तमाम सवाल को लेकर आज हम सड़क पर बैठे हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी लोग आए और इन बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएं, आरक्षण विरोधी जो कानून आया है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, या बंद है तो बंद है, राज्य में भाई आवाज उठ रहा है एनआरसी के खिलाफ में। निकाल कर इस बंद का समर्थन किया है, राजद भी इस बंद का समर्थन किया है, फिर ये लोग पार्टी चमकाने के कौन कार्यक्रम में जा रहे हैं हमें नहीं पता है, इन लोगों को सभी लोग। अरे भाई वही मुद्दा आपका भी है, पार्टी कहाँ चमकाना है, पार्टी तो पहले से चमका है जी, सबसे बड़ा पार्टी है बिहार का, ये चमकाना है जिला तेजस्वी जी, तो चमक गए हैं,
अब चमकाना है हम लोगों को, आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप लगाने से नहीं होगा ना। हॉल में कौन प्रोटेस्ट होता है, एक बंद कमरा में कौन प्रोटेस्ट होता है? मैं तेजस्वी यादव से जाना चाहता हूँ, राजद कार्यकर्ताओं से जाना चाहता हूँ, जब सड़क पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी। ये लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, ये लोग बंद में नहीं है। हमें ये लोग पिकनिक अगर बंद में होते तो यहाँ हमारे साथ बैठते। ये दिखावा है, ये छलावा है, ये दिलाखा दिखावा है, छलावा है। ना कुछ नहीं, क्या पिकनिक मनाना है वहाँ? ये मुद्दा जो है वो मुद्दा है नौजवान का, मुद्दा है और क्या मुद्दा है? यात्रा है नौजवान का वहाँ, तेजस्वी यादव का आह्वान हुआ है, पोस्टर पर लिखा हुआ, जाकर देख लीजिए क्या चीज है। देखिए ये कह रहे हैं पोस्टर पे, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है और उसके बाद बात कीजिएगा। बंद का दौर तस्वीर में देखिए, समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन समझे नहीं। जन अधिकार पार्टी के नेता लोग समझ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बंद बुलाए हैं तो बंद बुलाएंगे, किसी को नहीं जाने देंगे, चाहे विधायक जी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वीवीआईपी हो, यही बैठे रहेंगे, यही बैठे रहेंगे, यही बैठे रहेंगे। आपने पिछले सवालों में पूछा कि बीजेपी के जन अधिकार पार्टी एजेंट, अब एजेंट कौन है आपको दिखाई दे रहा होगा? एक बंद कमरे में कौन प्रोटेस्ट होता है, कौन आंदोलन होता है, आप सभी देशवासियों को पता है, न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग बंद कमरे में पार्टी चमकाने का काम, बंद कमरे में पार्टी चमकाने का काम कर रहे हैं। पुलिस भी आ चुकी है, तस्वीरों में देखिए पुलिस अधिकारी भी आ गए हैं, पुलिस जो है यहाँ पे पहुंची हुई है। नवादा थाना के जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बंद को कैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ट्रक जैसे रुका हुआ है, गाड़ियाँ जो है यहाँ पे रुकी हुई है, सभी लोग जो है यहाँ पे बंद के कारण फंसे हुए हैं और आम नागरिक के साथ साथ विधायक जी भी फंस गए हैं। क्या कहिएगा, विधायक जी को भी फंसा दिया आप लोग? विधायक जी को हम लोग नहीं जाने देंगे, अभी विधायक जी आके यहाँ पे बैठे तो अभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या कहिएगा, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग। आरजेडी हमेशा बीजेपी के इशारे पे ही काम करती है, हमेशा हमेशा। क्या चाहते हैं आप लोग उनसे? विपक्षी हम लोग निभा रहे हैं, जन अधिकार छात्र परिषद विपक्षी का रोल हम लोग निभा रहे हैं, जो कि आरजेडी को निभाना चाहिए। क्या चाहते हैं विधायक जी से? क्या चाहते हैं विधायक जी से? चाहते हैं कि वो यहाँ पे आके बैठे तब हम लोग जाने देंगे उनको, 5 मिनट के लिए आके बैठे। 5 मिनट के लिए भी आके बैठे? आपको बैठना पड़ेगा विधायक जी, तभी आप वेटनरी ग्राउंड पहुंच पाइएगा। 5 मिनट के लिए भी बैठिए विधायक जी, लेकिन हमारा साथ दीजिए, बीजेपी के इशारे पे काम मत कीजिए और बंद कमरों में काम आंदोलन नहीं होता है, ये कहना है जन अधिकार पार्टी के छात्र युवा परिषद के लोगों का, स्टूडेंट का। आशा एक भारत के लिए, मैं रैना सिंह, ये खबर, ये अंदाज और ये तुतू में मैं आरजेडी और जाप का आपको कितना पसंद आया और क्या कहना चाहिएगा जरूर कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा हमें। आशा एक भारत के लिए, मैं रैना सिंह, सहयोगी टूना कुमार के साथ, आरा भोजपुर, बिहार। लोगों को जाकर के किसी को बाधा डाल करके अपने स्वार्थ में ये काम नहीं करना चाहिए, इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये 10 मिनट रास्ता ब्लॉक करेगा, कोई मान ले कि हम तो रैली में जा रहे हैं, हमारे 150 गाड़ी 200, मान ले कोई पेशेंट होगा, कोई रोगी होगा, उसका क्या स्थिति होगा? किया था आज से यात्रा शुरू होने वाली थी, यात्रा में विफल पड़ गया यही से लगता है। नहीं विफल क्या, विफल क्या होगा, हमारी गाड़ी भिसक जाएगी विफल कैसे? इतनी सारी गाड़ियां रुक गई आपके साथ, इतनी वहाँ लाखों में गाड़ी जुट रहे थे, 200-400 गाड़ी का वहाँ वैल्यू थोड़े है। हम अपने क्षेत्र से 200 गाड़ी ले जा रहे हैं, जो विश्व विधानसभा से और सब विधानसभा गाड़ी सब जा रही है, कोई उधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, ये तो मेरे ही क्षेत्र का गाड़ी को डिस्टर्ब किया है यहाँ खास करके। हमको यही लग रहा है कि मेरे, क्योंकि जब विश्व का ही गाड़ी से रुक से गई है, बहरा कैसे गई, शाहपुर चले गया, संदेश का, तरारी का, सब गाड़ी ऐसे निकल गया। अभी अभी तक पक्ष वाले लोग ये सब भाजपा का, ये सब भाजपा के कार्यकर्ता है, ये तो जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष है। उमेश यादव जो है जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनके साथ ये सुजीत कुशवाहा, आप मानते हैं कि जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता वो भाजपा के इशारे पे काम करते हैं? अब यहाँ तो नहीं मान रहे, लेकिन आज के आज बंद करने क्या सवाल है? जब हमारी पार्टी समर्थन आपको किया है तो फिर राजद की गाड़ी रोकने की क्या आपकी आवश्यकता है? क्या आपका मैं इसमें क्या, इसके पीछे राजनीति दर्ज बताइए हमको, स्पष्ट झलक रहा है कि आप दूसरे के इशारे पर चल रहे हैं।
अभी तक पक्ष वाले कहते थे कि बरगलाया जा रहा है, सीए एनआरसी एनपीआर पे झूठमूठ का बंद किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। अब तो आप लोग भी जो कि विपक्ष दल में, वो भी कहने लगे कि ये भाजपा के इशारे पे हो रहा है, ये बंद नहीं सही है। बंद नहीं है, पॉइंट तो सही है, लेकिन ये आज के राजद की गाड़ी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। जब राजद आपको पूरे बिहार में समर्थन किया है, आम आदमी भी तो कुछ समर्थन करने वाले जो रुके हैं, और सब लोग समर्थन किया है इसका, किया है, लेकिन राजद की गाड़ी रोकने की कहीं नहीं है कि जिस गाड़ी पे स्टिकर होगा बेरोजगारी भगाओ रैली का, उस गाड़ी को नहीं रुकना है। सब स्पष्ट नहीं, हमने एसपी को टेलीफोन किया है, आ रहा है। तो देखिए, ये एसपी साहब को फोन किए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि भाजपा के इशारे पे जन अधिकार की पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये भाजपा की मिली भगत है, तभी ये हमें रोक रहे हैं, क्योंकि हमने तो समर्थन किया है, आरजेडी जो है वो समर्थन किया है। तो देखिए तस्वीरों में किस तरीके से इनका स्टिकर भी लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है मांगा रोजगार मिली मार, अब आंदोलन बदलेंगे बिहार, और एक नंबर का साइन दिया हुआ है। आरजेडी का ये लालू यादव की तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, और आरजेडी के विधायक हैं जगदीशपुर विधायक। अब आम आदमी के साथ साथ विधायक की भी दिक्कतें आ गई हैं, और वो विधायक कहीं भी विपक्ष दल के नहीं है, यानी कि सत्ताधारी दल के नहीं है, एनडीए के नहीं है, वो आरजेडी के हैं। और इन्होंने साफ आरोप लगाया है कि जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, भाजपा की मिली भगत है। अब ये आप तय कीजिए कि आखिर ये आंदोलन जो है वो कहाँ तक सही है, और इस तरीके से जो परेशानी हो रही है विधायक, आम आदमी के साथ साथ विधायक भी रुक जा रहे हैं, तो फिर आरा की जनता का और बिहार की जनता का क्या स्थिति होगा। आशा एक भारत के लिए, मैं रैना सिंह, ये खबर और इनकी ये राय पसंद आए तो इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए, और यूट्यूब आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सहयोगी टूना कुमार के साथ मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।